नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सिक्योरिटी वार्निंग को डिसेबल कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है यहां पर एक डेटाबेस को मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहां पर जो है सिक्योरिटी वार्निंग में जो है हमारा यहां पर एक मैसेज शो हुआ है, इसको हम लोग यहां पर इनेबल करना होता है, उसके बाद ओके करना होता है। तो ये जो है हमारा हर एक डेटाबेस में जो है यहां पर इनेबल करना पड़ता है। तो इसको हम लोग परमानेंटली डिसेबल कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जय इन्फो नाम से एक एसएमपी फोल्डर है, इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है हमारा एक डेटाबेस है जो कि है जय इन्फो नाम से। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो कि हमारा सिक्योरिटी वार्निंग का यहाँ पर मैसेज हो रहा है। तो इसको हम लोग परमानेंटली डिसेबल कैसे करेंगे, और उसके बाद जो है एक ट्रस्टेड लोकेशन देकर के भी हम लोग दूसरे तरीके से भी डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसको दो तरीके से जो है इसको हम लोग डिसेबल करेंगे, एक परमानेंटली और एक जो है ट्रस्टेड लोकेशन देकर के जो है हम लोग इसको डिसेबल करेंगे। तो यहाँ पर जो है ट्रस्टेड लोकेशन जो होगा हमारा इनकम्प्लीट, मतलब कि कम्प्लीटली ये जो है डिसेबल नहीं होगा, और एक जो है परमानेंटली डिसेबल यानी कि ये किसी भी डेटाबेस को ओपन करने पर ये मैसेज शो नहीं होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या ये हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल उन्हीं फाइल्स को जो है इसमें ओपन करें जिसके ऊपर जो है आपको फुल ट्रस्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इन सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जाएंगे ऑफिस बटन में, उसके बाद यहाँ पर एक्सेस ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद नीचे में आपको ट्रस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रस्टेड लोकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे कि एक बाय डिफॉल्ट जो है लोकेशन दिया हुआ है जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहले से इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे में आप देख पा रहे कि ऐड न्यू लोकेशन का भी ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ब्राउज करेंगे। ब्राउज में हम लोग जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, उसके बाद जय इन्फो एसएमपी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे और वापस से ओके ओके और ओके। तो सेम उसी फोल्डर को जो है हम लोगों ने ओपन करके इस डेटाबेस को ओपन किया था, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे हमारा डॉक्यूमेंट्स फाइल में यहाँ पर जय इन्फो एसएमपी है, इसको ओपन करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसी लोकेशन को जो है दिए हुए थे। तो इसको हम लोग डेटाबेस को ओपन करके देख लेते हैं क्या सिक्योरिटी वार्निंग जो है आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग जो है नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और बैक आते हैं। यहाँ पर जो है हमारा एक दूसरा डेटाबेस है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि इस लोकेशन में जो है जो डेटाबेस सेव था यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग का जो है मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे। इसके बाद हम लोग इसको परमानेंटली डिसेबल कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले इस डेटाबेस को ओपन करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑफिस बटन में जाएंगे, उसके बाद एक्सेस ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर में, और उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आप देख पा रहे कि मैसेज बार में हम लोग आएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे कि नेवर शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है माइक्रो सेटिंग में जाएंगे, माइक्रो सेटिंग में यहाँ पर हम लोग इनेबल ऑल माइक्रोस को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे और वापस से ओके कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज करते हैं और वापस से इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे कि हमारा सिक्योरिटी वार्निंग का जो है मैसेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 का जो वर्जन है उसमें आप सिक्योरिटी वार्निंग को डिसेबल कर सकते हैं परमानेंटली, और एक ट्रस्टेड लोकेशन के द्वारा भी आप ट्रस्टेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।